हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन आलू की ग्रेवी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल मसालों से और बहुत झटपट बनके ये रेडी हो जाती है। तो चलो हम देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। अगर आपके पास में लेमन जूस नहीं है तो आप 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 200 ग्राम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। मसाले आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने एक कुकिंग पॉट लेना है, उसमें हमने 1/2 कप भर के इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बड़े साइज़ के 2 आलू लिए थे। आलू को हमने इस तरह से कट कर लिया है। आपको जिस भी शेप का चाहिए आप कट कर सकते हैं। अब हमने इसे मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब हमने आलू को फ्राई करना है। आलू को तकरीबन हमने 90-95% हमने इसे कुक करना है। गैस की फ्लेम हमने लो मीडियम रखनी है। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आलू हमारे हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे। सेम पॉट में हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 1 काली इलायची, 7 से 8 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च। अब हमने इसे 1 मिनट के लिए भुनना है। ये भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम लो मीडियम ही रखनी है। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटो लिए थे, उसकी हमने प्यूरी बनाई है। इसे भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे हमने अच्छे से भुनना है। ये देखिए इस तरह से टमाटो हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को भी हमने अच्छे से भुनना है। चिकन की भुनाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हमने 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया है। ये देखिए चिकन का ऑयल भी आप देख सकते हैं साइड में हो चुका है। मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए पोटैटो। आलू को भी हमने 2 मिनट के लिए इसमें भुनना है। आलू की चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप पानी ऐड कर सकते हैं। और आपने गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। कवर लिड बंद करके इसे हम और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पे हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गर्म मसाला। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 हरी मिर्च। मिर्च आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मिर्च को हमने कट नहीं लगाया। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चपाती, रोटी, नान के साथ में। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।